हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर इशू ऑफ शेयर से एक और क्वेश्चन, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू फोर फीचर ऑफ शेयर्स। जो यहाँ पर हमने शेयर्स फोरफिट किए हैं दैट वर आल्सो इशूड एट प्रीमियम, बट यहाँ पर हमें प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया एंड हमने एक प्रोराटा अलॉटमेंट की थी। सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 45। जो क्वेश्चन नंबर 64 है वो हम ऑलरेडी हमारी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 64 एंड क्वेश्चन नंबर 65 बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इन वाले क्वेश्चंस को आप घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 65। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड ने 1500 शेयर्स फॉरफिट किए ऑफ ₹10 ईच। कितने का है पर शेयर? फेस वैल्यू ₹10, ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। कैसे इशू किया हमने एट प्रीमियम? विच वॉज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी। क्या गिवन है हमें कि प्रीमियम है जो वो एप्लीकेशन के साथ पे करना था। ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 वर नॉट रिसीव्ड। और हमने शेयर्स क्यों फॉरफिट किए? क्योंकि हमने ₹3 की अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं की ₹2 की। द फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3 वॉज नॉट येट कॉल्ड। फाइनल कॉल मनी अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं की। दी शेयर्स वर ओरिजिनली अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। ये जो शेयर्स है 1500 शेयर्स जो फोरफीट किए गए हैं, इनको ओरिजिनली कैसे अलॉट किया था? प्रोराटा बेसिस पर इन द रेशियो ऑफ 3:2। मींस कि जिसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कितने शेयर्स अलॉट किए? 2 शेयर्स। दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर। जो शेयर्स फोरफीट किए हैं इन वाले शेयर्स को बाद में ₹1 पर शेयर डिस्काउंट से री इशू कर दिया। क्रेडिटेड ₹7 पेड, मतलब हमने शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट किया? ₹7 से। तो वी हैव टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू। हमने फॉरफीचर और री इशू की एंट्रीज पास कर दी है। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट कितने हैं? 1500 शेयर्स। कितने की थी फेस वैल्यू? ₹10 ईच। क्या गिवन है कि हमने कैसे इशू किया एट प्रीमियम? प्रीमियम कितना है? प्रीमियम कितना है? ₹3 पर शेयर। और जो प्रीमियम है ये कब मिलेगा? अलोंग विद एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी के साथ मिलना है हमें प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी कितनी गिवन है? ₹3। फर्स्ट कॉल मनी कितनी गिवन है? ₹2। फाइनल कॉल मनी कितनी गिवन है? ₹2। लेकिन फाइनल कॉल मनी अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं की। एप्लीकेशन मनी हमें गिवन नहीं कितनी है? प्रीमियम गिवन है कितना? ₹3। तो एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? फेस वैल्यू कितनी है? ₹10। तो 10 -3 -2 -2, तो कितनी होगी एप्लीकेशन मनी? ₹2। प्रीमियम कितना है? ₹3। ये ₹2 है वो शेयर कैपिटल का पार्ट है, और ये जो ₹3 है ये किस चीज का पार्ट है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और हमने शेयर्स को फॉरफिट क्यों किया? क्या गिवन है हमें कि हमने शेयर्स फॉरफिट किए? क्योंकि फर्स्ट कॉल मनी और अलॉटमेंट मनी पे नहीं की थी शेयर होल्डर ने। तो क्या क्या मिला कंपनी को? एप्लीकेशन मनी। बट यहाँ हमने जो शेयर्स अलॉट किए थे वो कैसे किए थे? प्रो राटा बेसिस पर। कैसे किए थे? ऑन प्रो राटा बेसिस। रेशो क्या है? 3:2। तो मतलब जिसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको कंपनी ने कितने शेयर्स दिए? 2। हमने कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 1500। तो मतलब शेयर होल्डर ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? कंपनी ने 2 शेयर्स अलॉट कितने के लिए किए हैं? 3 के लिए। तो 1 शेयर के लिए 3/2, तो 1500 के लिए। तो 1500 शेयर्स मतलब कितने अप्लाई किए शेयर होल्डर ने? कितने किए? 2250 शेयर्स। तो मींस कि शेयर होल्डर ने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, और इतने शेयर्स के अप्लाई करने पर शेयर होल्डर को इतने शेयर्स दिए गए होंगे। अब इसके बाद हमें क्या रिसीव हुआ इस पर? एप्लीकेशन मनी। क्या हुई? एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। कितनी हुई एप्लीकेशन मनी रिसीव? 2250 शेयर्स पर। कितनी हुई एप्लीकेशन मनी? ₹2 प्लस प्रीमियम। हमें प्रीमियम भी यहाँ रिसीव हो गया। कितना हो गया? ₹5। तो हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? ₹11,250। बट एक्चुअली हमें एप्लीकेशन मनी हमारी कितनी ड्यू थी? कितनी ड्यू थी एप्लीकेशन मनी? कितनी है? ₹2। जो शेयर कैपिटल का पार्ट है वो कितना है? ₹2। प्रीमियम का पार्ट कितना है? ₹3। शेयर्स कितने अलॉट किए? 1500। तो जो 3000 है वो शेयर कैपिटल का पार्ट है,
और जो 3 रुपीज़ है वो कितने का पार्ट है, 4,500 प्रीमियम का पार्ट है। तो एक्सेस मनी रिसीव्ड, एक्सेस मनी कितनी रिसीव हुई हमें एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, टोटल 11,250 हो गई, जिसमें से 3,000 शेयर कैपिटल का पार्ट थे और 4,500 प्रीमियम का पार्ट था। एक्सेस मनी कितनी रिसीव हो गई, 3,750। तो इस वाले अमाउंट का क्या करेंगे, क्या करते हैं हम इस वाले अमाउंट को, जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो जाता है, एक्सेस मनी रिसीव हो जाती है, उसको हम कहाँ यूटिलाइज कर लेते हैं, अलॉटमेंट में। तो हम इस वाली मनी को कहाँ यूज कर लेंगे, अलॉटमेंट में। तो जो हमारी अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट मनी वो एक्चुअली कितनी ड्यू है ऑन 1,500 शेयर्स एट रुपीज। अलॉटमेंट मनी कितनी है, 3 पर शेयर, तो कितनी ड्यू है, 4,500। एक्सेस मनी जो हमने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यूटिलाइज कर ली, कितनी कर ली, 3,750। तो मतलब हमें कितने पैसे रिसीव नहीं हुए शेयर होल्डर से, 750 रुपीज। ये वाले हमें अलॉटमेंट मनी के जो ड्यू थे वो शेयर होल्डर से रिसीव नहीं हुए। तो नहीं हुए तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट कॉल मनी कितनी ड्यू थी, 1,500 शेयर्स पर एट ₹2 each, तो कितनी ड्यू थी, 3,000 रुपीज। ये भी हमें रिसीव नहीं हुए। तो हमने एक्चुअली रिसीव कितने हुए, जो रिसीव हो गए उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर में। बट यहाँ पर हमें फॉर फ्यूचर में एप्लीकेशन के साथ साथ प्रीमियम की मनी भी रिसीव हो गई थी। तो जब हमें प्रीमियम की मनी रिसीव हो गई, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं वो तो हमें रिसीव हो गया, तो अब हम यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करेंगे। तो जब डेबिट नहीं करेंगे तो हम यहाँ फॉर फ्यूचर में भी इसका अमाउंट इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्टली वहां से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फॉर फ्यूचर में हम कौन सा अमाउंट डालेंगे, जो कि एप्लीकेशन का है, कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट नहीं है। कितना है एप्लीकेशन मनी का पार्ट, टोटल कितनी मनी रिसीव हुई हमें, 11,250 रुपीज, जिसमें से प्रीमियम का पार्ट कितना है, कितना है, 3 रुपीज ऑन 1,500 शेयर्स, कितना है, 4,500। तो मतलब कितना बच गया, 6,750 रुपीज। तो हमने कितना अमाउंट फॉरफिट किया, 6,750 रुपीज। तो अब क्या करना है, फॉरफिटर की एंट्री पास करनी है। कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या हम यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे, नहीं। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट किया था। क्यों किया था, क्योंकि हमें वहां पर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था। अब यहाँ हमें प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया, तो हम यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, और जो जो रिसीव नहीं हुआ उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या क्या नहीं हुआ, 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो रिसीव हो गया उसको क्या करेंगे, फॉर फ्यूचर में डाल देंगे। तो हमने कितना अमाउंट डालना है शेयर कैपिटल में, फाइनल कॉल मनी कितनी है, 3 रुपीज। 3 रुपीज अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किए, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 7 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1,500, तो 1,500 × 7 कितना अमाउंट डेबिट होगा, 10,500। शेयर अलॉटमेंट का जो हमें रिसीव नहीं हुआ, यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा, जो अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया, हमें कितना अमाउंट रिसीव होना था अलॉटमेंट पर, 1,500 × 3 कितना, 4,500, जिसमें से 3,750 रुपीज हमें कब रिसीव हो गए, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, हमें जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी तो हमें वहां मिल गए थे। तो जो एप्लीकेशन मनी है वो हमने अलॉटमेंट के रिगार्डिंग यूटिलाइज कर ली थी, तो कितना अमाउंट बचा था, 750 रुपीज, ये शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। तो नहीं किया तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, 1,500 शेयर्स एट ₹2 each, कितनी, 3,000 रुपीज। और फॉरफिट कितने की अमाउंट, कितनी अमाउंट रिसीव हो गई थी, हमने अभी कैलकुलेट की थी। हमने यहाँ पर हमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं करना, हमने यहाँ प्रीमियम को डेबिट नहीं किया, हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड किया था, क्योंकि हमने यहाँ प्रीमियम डेबिट किया था। अब हम यहाँ प्रीमियम का अमाउंट डेबिट नहीं कर रहे, तो हम यहाँ भी प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमें जितनी टोटल मनी रिसीव हो गई, कितनी, 11,250
250, इसमें से प्रीमियम का अमाउंट माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। कितना है प्रीमियम का अमाउंट? ऑन 1500 शेयर्स एट रुपीज 3 ईच, तो 11250 माइनस 4500, कितना? 11250 माइनस 4500, 4500। तो हमने कितना अमाउंट फॉरफिट किया? 6750 रुपीज। अब इसके बाद क्या किया? ये एंट्री कब थी? एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। अब क्या किया? शेयर्स को री इशू किया। क्या गिवन है कि जब हमने शेयर्स को री इशू किया, कितने शेयर्स री इशू किए? सारे के सारे 1500 शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ रुपी 1 पर शेयर। हमने 1 रुपी का डिस्काउंट दिया। और क्या गिवन है कि जो जो क्रेडिटेड कैपिटल है वो कितनी है? 7 रुपीज। तो शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट करना है? 7 रुपीज से। अमाउंट कितना आएगा बैंक में? बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट डिस्काउंट पर इशू किया है, तो जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो जो हमें लॉस होता है तो हम कहाँ से ले लेंगे? फॉरफीचर से। क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या करना है? शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट करना है? 7 रुपीज पेड, तो मीन्स 1500 × 7 कितना हो गया अमाउंट? 10500। डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपी, तो बैंक में कितना आएगा? 6 रुपीज, तो 1500 × 6 कितना हो गया? 9000 रुपीज। फॉरफीचर अकाउंट से कितना ले लिया? 1500। तो हमने ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमें यहाँ शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट करना है। क्या गिवन है? हमें क्रेडिटेड ₹7 पेड। अब तो हमने शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट किया? 7 रुपीज से। डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपी, तो मतलब बैंक में कितना पैसा आएगा? 6 रुपीज। अब इसके बाद क्या? हमने जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे सारे के सारे री इशू कर दिए, तो सारा का सारा अमाउंट जो बच गया हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना बैलेंस था? 6750। इसमें से हमने 1500 को यूज कर लिया, तो कितना बचा? 6750 माइनस 1500 कितना बचा? 5250। हमने सारे के सारे शेयर्स यहाँ पर री इशू कर दिए। अगर हम यहाँ पर कम शेयर्स इशू करते हैं तो क्या कैलकुलेट करते हैं कि जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है फॉरफीचर में, जो हमने शेयर री इशू किया है उसके रिगार्डिंग कितनी है, और उसमें से जितने हमने यूज कर लिए जो बच गया उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते। बट क्योंकि हमने यहाँ सारे ही शेयर्स री इशू कर दिया, तो सारा का सारा अमाउंट जो बच गया उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 65। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि जो हमने अलॉटमेंट की थी, जो कंपनी ने अलॉटमेंट की थी वो कैसे की थी? ऑन प्रोराटा बेसिस। और हमें यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई थी और प्रीमियम का अमाउंट भी एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो गया था। तो जब हमें प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हम यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करेंगे। और साथ साथ जब हम शेयर फॉरफीचर में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, जो जो अमाउंट हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है वहां पर भी हम प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, और स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज डू कॉमेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।